इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, बात करेंगे इसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में कि ये क्या कहाँ तक यहाँ पर जाने वाला है, 8 तक जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। डीलिस्ट की भी कई लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, मार्केट में यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, इन सभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे। क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट की भी यहाँ पर बात कर लेंगे, तफसील से बात करने वाले इस वीडियो में। यहाँ पर हम आ चुके हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर हम चेक करेंगे 2.85 रुपये पर आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर 9.62% की बढ़त के साथ लगभग आज के दिन यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ था। लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर 2.85 रुपये आज के दिन बढ़ के बंद हुआ है। उसी के साथ यदि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो कल के दिन यहाँ पर 2.60 रुपये पर, कल के दिन भी यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ था एंड 2.60 रुपये पर बंद होने को दिखा था। देन फिर उसके बाद आज सुबह 2.75 रुपये पर 25 पैसे की बढ़त के साथ ओपन हुआ है एंड लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर सुबह से ही वैसे अपर सर्किट लग गया था, 10 बजे अपर सर्किट इसमें लगने को दिखा था। देन फिर देखें तो पूरे दिन भर ये अपर सर्किट में रहा है, थोड़ी बहुत बीच में ट्रेडिंग में ही आया है लेकिन वो ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा एंड लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे तो अपर सर्किट में ही चला ही गया था। उसके साथ यदि बात करें, एक अच्छी तेजी अभी देखने को मिल रही है कुछ समय से। उसी के साथ यदि फॉरम सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें 72% लोग अब यहाँ पर बाइंग की सलाह एकदम देने लगे हैं, जो यहाँ पर काफ़ी कम परसेंटेज पहले हुआ करता था। 21% लोग यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बका यहाँ पर जो 7% लोग हैं वो यहाँ पर न्यूट्रल हैं, जो 21% लोग हैं वो यहाँ पर थोड़ी पैनिक हैं, वो यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहे हैं। बकाया जो 72% लोग हैं वो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी इस शेयर में यहाँ पर देख रहे हैं। बकाया यदि बात करें एक इन्वेस्टर की तो उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया था टारगेट फॉर दिस मंथ 5 रुपये, इस मंथ तक यदि टारगेट की बात करें तो इन्होंने अपने टारगेट यहाँ पर 5 रुपये रखते हैं। बकाया आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बकाया यदि बात करें प्रोडक्ट प्राइस इज लेस देन दी मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस जो है मतलब इस समय जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट प्राइस से कम ही चल रहा है। इनका कहने का मतलब है इट वुड नेवर गो फॉर बैंकरप्सी, ये बैंकरप्सी का अभी शिकार नहीं होने जा रही है, जैसे बार बार यहाँ पर मार्केट में न्यूज आ रही थी इनके द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है। टोटल शेयर इज अराउंड 200 करोड़ एंड टोटल लोन अमाउंट 600 करोड़, इट मीन्स एवरी शेयर हैज रुपीज डेप्थ, सभी शेयरों के ऊपर ये डेप्थ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगेन एक और इन्वेस्टर उनके द्वारा यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की बात की जा रही है। यदि बात करें तो श्योर शॉर्ट 1 रुपीज सून होल फ्यूचर ग्रुप गोइंग टू इंसॉल्वेंसी, डोंट गेट ट्रैप विथ ऑपरेटर्स गेम गाइस, इनका कहने का मतलब है जो यहाँ पे आपको रैली दिख रही है ये बस एक ट्रैप है, यहाँ पे आपको फंसाने का एक ट्रैप चल रहा है। बकाया ये फिर से शेयर को यहाँ पे गिरा देंगे, इनके कहने का मतलब है 1 रुपये फिर से अभी जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाने को दिखेगा, इनका कुछ ऐसा कहने का मतलब है। बकाया यदि बात करें तो एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट के साथ, यदि यहाँ पे बात करें तो 1 मंथ पहले ही यहाँ पे 5 रुपये के ऊपर चल रहा था, देन फिर वहाँ से देखें तो एक मैसिव फॉल देखने को मिला था। अभी यहाँ पे यदि आप देख रहे होंगे तो वी शेप रिकवरी बनते हुए देखने को मिल रही है, वो आपको यहाँ पे 6 मंथ के पैटर्न में एकदम यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यदि आप यहाँ पे देखें तो आपको 6 मंथ के पैटर्न में एकदम यहाँ पे समझ में आ जाएगी जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये मैं यहाँ पे वी शेप रिकवरी की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। 8 रुपये के ऊपर चलता था 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में, अभी 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे 8 रुपये के ऊपर चल रहा था, देन फिर वहाँ से लगातार गिरावट हुई थी। 5 रुपये पर भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे ट्रेड करता रहा, देन वहाँ से लग रहा था कि वापस जाएगा लेकिन वो नीचे की ओर चला गया। अभी यहां पे वी से रिकवरी में थोड़ी ऊपर की ओर लगातार 2-3 अपर सर्किट के साथ ऊपर की ओर चला गया है। उसी के साथ यदि हम बात करें बुक वैल्यू की तो 2.68 रुपये की बुक वैल्यू अभी शेयर की चल रही है एंड यदि शेयर का प्राइस देखा तो 2.85 रुपये अपनी बुक वैल्यू से ओनली 20 पैसे ही ऊपर चल रहा है। अभी कुछ समय पहले अपनी बुक वैल्यू से नीचे चला गया, तो इसका बुक वैल्यू जो इसकी बुक वैल्यू अभी एक बहुत अच्छा यहां पर सपोर्ट्स बन के सामने नजर आया, क्योंकि बुक वैल्यू से नीचे ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। 2.68 रुपये पर यदि आप बाइंग की सोच रहे हैं तो आप इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। बकाया यदि अपॉर्चुनिटी की बात करें, ऊपर के टारगेट की बात करें, तो ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा ये कहां तक जाएगा, 5 रुपये तक जाएगा, 10 रुपये तक जाएगा। हाँ एक चीज़ जरूर है, जो डीलिस्टिंग की बात करें, ऐसे कोई कंपनी डीलिस्ट नहीं होती है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, सेबी के पास जाना पड़ता है, NSE BSE के काउंटर पर सब कुछ मतलब एकदम पूरी फॉर्मेलिटीज़ होती है एंड जो इंसॉल्वेंसी का केस है वो भी यहाँ पर आपको जाने को यदि दिखेगा तो इस चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। उसके साथ यदि बात करें तो 2 लोगों कि इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग है, एक विस्त्रा ITCL इंडिया लिमिटेड 22% से ऊपर की होल्डिंग है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इसमें 5% से ज्यादा की होल्डिंग है। यदि विस्त्रा ITCL की मैं बात करूं, मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, इन्होंने लगातार यहां पे बिकवाली की है। आखिरकार इनकी बिकवाली का, इतनी बड़ी बिकवाली का क्या मतलब है? यदि आप यहां पे देखें तो इन्होंने यहां पे सेलिंग किया 28 अप्रैल को विस्त्रा ITCL इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2.60 रुपये पे। यदि यहां पे टोटल क्वांटिटी आप यदि चेक करें तो यहां पे टोटल क्वांटिटी होने वाली है 10 मिलियन। यदि बात
करें तो इंडियन क्वांटिटी में 1 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर रहने वाली है, 1 करोड़ एंड 4,52,000 ऐसी कुछ क्वांटिटी रहने वाली है। 2.60 रुपये पर इन्होंने सेल किया। अगेन इन्होंने 28 अप्रैल को एक और बहुत बड़ी सेलिंग की, जो यहाँ पर यदि टोटल क्वांटिटी चेक करें तो 10 मिलियन की इंडियन क्वांटिटी में 1 करोड़ की यहाँ पर क्वांटिटी होने वाली है। 2.60 रुपये पे यहाँ पे भी इनने सेलिंग किया। तो लगातार जिस तरह ITCL के द्वारा यहाँ पे सेलिंग करना जरूर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रैप दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये ट्रैप करना चाहते हैं। एंड यदि देखें ये तो ट्रैप नहीं करना चाहते, बकाया यदि मार्केट की देखें तो मार्केट इनके बेचने के बाद भी यहाँ पे बढ़ा है। 2.42 रुपये पे भी इन्होंने इतना बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। यदि टोटल क्वांटिटी चेक करें तो वो 13 मिलियन की क्वांटिटी होने वाली है। 1,33,00,000 शेयर उन्होंने यहाँ पे बेचे। हो सकता है इसके बाद गिरावट यहाँ से आप देखें 2.42 रुपये पे इन्होंने यहाँ पे माल बेचा हुआ है, देन यदि इस समय देखें तो 2.75 रुपये के ऊपर यहाँ पे प्राइस चला गया है। तो इनके यहाँ पे बिकवाली के बाद भी प्राइस अभी ऊपर जाने को दिखा है। यदि वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो अभी 6 करोड़ क्वांटिटी के वॉल्यूम यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। उसके पहले की यदि बात करें तो 6 करोड़ 5 करोड़ इस तरह के वॉल्यूम सामने नजर आए थे। उसके साथ एक चीज़ यहाँ पर जरूर अच्छी देखने को मिली, जो यहाँ पर आप देखें परसेंटेज वाइज डिलीवरी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर 1 मंथ के एवरेज में 48% की डिलीवरी हुआ करती थी, वो अभी 61% की जाने को दिखी 1 वीक के एवरेज में। यदि कल की बात करें तो 71% के अराउंड की डिलीवरी सामने निकल के आई थी। उसके साथ यदि हम आज की भी डिलीवरी यहां पर चेक कर लेते हैं लेटेस्ट पैटर्न में, यदि आज की डिलीवरी चेक करें तो BSE के काउंटर पर 69% की डिलीवरी उठने को देखने को मिली है। 1 करोड़ से ज्यादा क्वांटिटी यहां पर ट्रेडिंग हुई एंड 80 लाख से ज्यादा क्वांटिटी के यहां पर शेयर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। 69% 70% की एक अच्छी डिलीवरी BSE के काउंटर पर उठने को दिखी है। वही यदि हम NSE की बात करें तो NSE के काउंटर पर 71% की डिलीवरी सामने निकल के आई है। 3 करोड़ से ऊपर के ज्यादा शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। तो एक अच्छी खासी डिलीवरी अभी लगातार इस शेयर में यहाँ पे उठाई जा रही है, जो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा करती है। वो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, एक अच्छी डिलीवरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ तो इशारा करती है। यदि आप हमारे चैनल के साथ हैं लंबे समय से तो आप ये सब बातें समझ रहे होंगे। बकाया यदि बात करें ASM लिस्ट की तो यहाँ पे अभी ASM स्टेज 1 में देखने को ये शेयर मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी यदि शेयर की बात करें तो 200 करोड़, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 200 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर है। यहां पे फेस वैल्यू 6 की रहने वाली है। NSE के काउंटर की यहां पे इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ यदि हम AMO सेक्शन की बात करें, जिसको हम यहां पे बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर में क्या स्थिति रहने वाली है, यदि आफ्टर मार्केट ऑर्डर की बात करें तो 2.85 रुपये पे यहां पे जो बाइंग के लिए क्वांटिटी लगी हुई है वो 2,35,514 क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इतनी ही है जो यहां पे बाइंग के लिए लगी हुई है। इसका असर AMO सेक्शन का असर मार्केट के नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम के प्री ओपनिंग मार्केट प्राइस पे रहता है। जैसे इस समय जो प्राइस है 2.85 रुपये इस समय चल रहा है, तो कल के दिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि मार्केट जैसे ही खुलेगा गैप अप ओपनिंग लेते हुए खुलेगा, मतलब जो अपने इस प्राइस से थोड़ी सा ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है AMO सेक्शन में। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में एक बड़ी क्वांटिटी एक अच्छी ओपनिंग प्राइस मार्केट प्राइस की ओर इंडिकेशन करती है। तो कल के दिन आई होप एक अच्छा प्राइस खुल के आएगा आपके सामने। बकाया अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ यहाँ पर लाइक कर देना।